जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा, लास्ट टाइम ये कोविड वैक्सीनेशन मैं करवाया और उसके बाद मेरी स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण लगभग 20 रोज से ज़्यादा के लिए मैं यूट्यूब पर एबसेंट हो गया, तो उसके लिए तो मैं खुद से माफ़ी चाहूंगा और भगवान से प्रार्थना है कि ये कंडीशन फिर से मेरे स्वास्थ्य की ना हो कि मैं फिर से ये एबसेंट रहूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा कक्षा 11th की पहली एक्सरसाइज जो है सेट्स, उसका मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। हमारे पास कुछ एक सेट्स दी हुई है, हमें बताना कि कौन सा सेट किसका सबसेट है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर बी सी डी सेट्स हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म में दी हुई है। इट मींस व्हाट वी आर एबल टू सी क्लियरली हाउ मेनी एलिमेंट्स एंड व्हाट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेट बी सी एंड डी। लेकिन सेट ए में ये तो हमारा सोसाइट वाला फॉर्म है, यानी कि किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में है और क्लियरली नहीं देख पा रहे कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा। तो इसका कंडीशन को समझते हैं ना, एक्स सच डेट इसमें सारे एलिमेंट्स एक्स आएंगे जो कि रियल नंबर से होंगे एंड एक्स जो है वो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 12। जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की मदद से इसको सॉल्व कीजिएगा जो कि 10th में आप पढ़ चुके हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। और x का वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल गया, x बराबर 2 आएगा या फिर x बराबर हमारे पास 6 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सॉल्यूशन क्या आया, 2 या फिर 6, यानी कि यही दोनों एलिमेंट्स इसमें आएगा। यानी कि सेट ए को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2, 6 है ना। अब हम यहाँ पर अपने नजरों का यूज करते हुए देखेंगे कौन सा सेट किसका सबसेट है या फिर नहीं। देखते हैं सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। सबसे पहले मैं बता दूं सेट ए सेट बी का सबसेट कब होता है, जब सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में हो तब ये इसका सबसेट होता है। कुछ इसी हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे, ए में कौन सा एलिमेंट है 2, 6, बी में है 2, 6, तो बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज सबसेट ऑफ बी, पहला कंडीशन। अब बात करते हैं ए इसका सबसेट है, ए सी का सबसेट है, तो ए इज सबसेट ऑफ सी, वी कैन सी क्लियरली सी है बिकॉज ए में जो भी एलिमेंट 2, 6 है वो इसमें भी है, तो ए इज सबसेट ऑफ सी। ए डी का सबसेट है तो नहीं होगा वहां से, क्योंकि ए में हमारा 2 है लेकिन डी में तो 2 है ही नहीं। अब बात करते हैं बी, बी भाई साहब इसका सबसेट होगा तो नहीं होगा क्योंकि इसमें हमारा एक एलिमेंट 4 मिल रहा है जो कि इसमें नहीं है। बात करते हैं बी सी का सबसेट होगा तो 2, 4, 6 इसमें 2, 4, 6 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी इज सबसेट ऑफ सी, सही है। बात करते हैं क्या बी डी का सबसेट होगा तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 2, 4 है जो कि इसमें नहीं है। अब सी की बात करते हैं तो ये वाला भाई साहब इसका सब्जेक्ट नहीं होगा, ये वाला भाई साहब इसका भी सब्जेक्ट नहीं होगा, ये किसी का भी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें ढेर सारे एलिमेंट है यार और इसका सारा सारा एलिमेंट्स और दी हुई ए बी और डी सेट में तो मिल नहीं रहा। अब डी की बात करते हैं तो ये 6 एलिमेंट तो इसमें है, यानी कि ये डी जो है वो सबसेट है किसका, ए का सबसेट है। ये 6 इसमें भी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी हमारा सबसेट हो जाएगा बी का। डी का सारा का सारा एलिमेंट जो कि 8 है 6 इसमें भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी इज सबसेट ऑफ सी। चलिए ये सारी चीजें मतलब हमने ऑब्जर्व करके लिखा है, या चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिसलेनियस एक्सरसाइज थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट तो रहता ही है, लेकिन बिल्कुल आपने जो चीजें जो कॉन्सेप्ट पढ़ी है बिल्कुल उसी पर बेस्ड रहता है। थोड़ा सा टफ आपको महसूस हो सकता है लेकिन बिल्कुल वो बन जाएगा अगर आपने पहले ईमानदारी से काम किया हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। हमारे पास कुछ एक स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमें बताना कि ये स्टेटमेंट्स सही है या फिर गलत है, अगर गलत है तो एक एग्जांपल देना है ना। बच्चों मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जो मेथड मैं यहाँ पर यूज करने के लिए जा रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए है ना, तो ये 11th भर के लिए तो ये सही है, किसी तरीके से एग्जांपल लेकर के मैं काम कर रहा हूँ है ना, चल जा रहा है। लेकिन ये एक प्रॉपर मेथड जो होता है ना वो नहीं है बच्चों। जैसे आप हायर क्लास में जाइएगा तो वहां पर आप तरीका सीखिएगा किस तरीके से हम प्रूफ करते हैं ना, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम को आप जब मैथ्स में आगे बढ़िएगा तो आपको पता चलेगा और आश्चर्य भी होगा और जो कि सही भी है कि मैथ्स में प्रत्येक तरह के सवाल को हम एग्जाम्पल लेकर के प्रूफ नहीं कर सकते हैं है ना। बिल्कुल जैसे कि मैं, चलिए खैर इन सारी बातों को जाने देते हैं, अपना समय बर्बाद ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं है ना, कुछ एग्जांपल की मदद से इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि हम सबसे पहले अपने दिमाग का यूज करेंगे कि ये स्टेटमेंट्स सही है या फिर गलत है ना, चाहे मेथड कुछ भी हो, क्योंकि मेथड डिस्कस नहीं कर रहे। अगर गलत लगेगा तो वहां पर हम एग्जांपल देंगे है ना, एग्जांपल देने के लिए ही कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्या है कि इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, मान लेते हैं हम कोई भी एक एलिमेंट एक्स की जगह कुछ भी ले लेते हैं, 1 है जो कि हमारा ए से बिलोंग कर रहा है, सही है, एक एलिमेंट हमने ले लिया। अब ये हमारा कैसा सेट दिखेगा, ये तो पक्का कुछ इस प्रकार से होगा कि 1, 2 कुछ भी तो होना चाहिए ना यहाँ पर, तब ना ये हमारा 1 जो है एक एलिमेंट इस सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर
बी बराबर ये देखिएगा, ये जो है ये हमारा बिलोंग्स कर रहा है बी में, यानी कि ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट की तरह इसमें मिलेगा बी सेट में। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं वन कमा टू एक एलिमेंट की तरह, और अलग भी कोई एलिमेंट तीन ले लिया हमने, तो यानी कि इसमें कितने एलिमेंट है, दो है, एक ये रहा एक ये रहा, ये पूरा का पूरा एलिमेंट क्या है, ए है, तो ए इसमें है बी में, तब तो ये हमारा ये ए बिलोंग्स टू बी है। पहला कंडीशन क्या कि x बराबर हमने क्या लिया है वन, जो कि सेट ए में है, ये तो देख रहा है, और ये ए जो है एक एलिमेंट है सेट बी का। अब देखते हैं क्या कि ये x जो है वो बी में भी है, क्या ये वन जो है x बराबर वन ये बी में भी है, तो वन तो कोई एलिमेंट हमारा बी में दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला भाई साहब इसमें हमारा मिलेगा ही नहीं, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, पहला नंबर का स्टेटमेंट ये हमारा फॉल्स है। तो हमारा अगला स्टेटमेंट है कि दो सेट है ए एंड बी, कुछ इस प्रकार से कि ए बी का सबसेट है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते जाते हैं, ए बराबर हमने कोई सेट ए ले, ये ले लिया वन टू, बी बराबर एक सेट ले लेते हैं, क्या चीज कि इस प्रकार से लेते हैं ना कि ये इसका सबसेट हो जाए, ए जो है बी का सबसेट हो जाए, तो वन टू थ्री यहाँ से हमने ले लिया। अब देखिएगा क्या चीज कि कह रहा है सी एक ऐसा सेट है ना जिसमें एक एलिमेंट हो, हमारा बी एक एलिमेंट है, तो ये पूरा पूरा एक एलिमेंट की तरह कार्य करेगा, है ना, तो सी हमने एक सेट लिया जिसमें एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, वन टू थ्री, है ना, एक एलिमेंट है, और अलग भी एलिमेंट कुछ ले लेते हैं फोर, तब क्या कह रहा है ये जो सेट हमारा ए है वो हमारा सी में ये कंप्लीटली लाइक करेगा, यानी कि सेट ये जो हमारा सेट ए है यहाँ पर वो एक एलिमेंट की तरह, यानी कि ये एक एलिमेंट होगा सी का, तो ये वाला चीज हमारा इस सेट सी में मिलेगा तब तो एलिमेंट होगा, ये वन कॉमा टू ये तो हमारा मिल ही नहीं रहा एक सेपरेट एलिमेंट के तरीके से, इसमें तो दो ही एलिमेंट है, ये रहा है ये है, जिसमें वन कॉमा टू हमारा इसमें सी में नहीं मिल रहा है, तब हम क्या कहेंगे ये ए जो है वो सी में एक एलिमेंट के तौर पर ये यहाँ पर नहीं है, ठीक ना, लेकिन ये क्या कह रहा है कि एक एलिमेंट के तौर पर मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भाई साहब हमारा गलत कह रहा है ना। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेटमेंट्स की ओर। बच्चों हमारा अगला स्टेटमेंट है कि यदि कोई सेट ए जो कि बी का सबसेट है हमारा, है ना, और बी सी का सबसेट हो, तब हमें दिखाना है कि ये वाला सेट ए जो है सेट सी का सबसेट होगा। इसे उदाहरण लेते हुए समझने की कोशिश करेंगे, सेट ए हम कुछ ले लेते हैं वन टू ले लिया हमने, बी को भी हम ले लेते हैं, क्या चीज सबसेट है भाई साहब, ए सबसेट है बी का, तो वन टू तो कम से कम आएगा ही, देख सकते हैं ए बी का सबसेट हो गया, और क्या है कि बी सी का सबसेट होना चाहिए, तो हम सी कुछ इस तरीके से लेंगे कि बी इसका सबसेट हो जाए, तो वन टू थ्री, और इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हम ले लिए, चलिए ई ही ले लिए, कुछ भी ले लेते हैं यार, मेरा नाम सोनू है ऐसे ही ले लेते हैं, चलिए जाने देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्या ए हमारा सी का सबसेट है, तो ए में कौन सा एलिमेंट है वन टू, जो कि स्वाभाविक है इसमें हमारा सी में दिख रहा है, तो यानी कि ए सी का सबसेट होगा, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा ये ट्रू हो जाएगा। अगला बात करते हैं क्या चीज कि यदि a हमारा b का सबसेट नहीं हो, तो a बराबर हम कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं वन टू हमने लिया, ठीक ना, और b इसका सबसेट नहीं होना चाहिए, है ना, तो हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि टू ले लेते हैं, फोर ले लेते हैं, फाइव ले लेते हैं। देखिएगा a का सारा एलिमेंट हमारा b में तो नहीं है, वन नहीं मिल रहा है ना, तो a b का सबसेट नहीं है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है ना। अब क्या करते हैं बी सी का सबसेट हमारा नहीं होना चाहिए, है ना, तो बी सी का सबसेट, तो सी कुछ इस तरीके से ले लेते हैं हम, जैसे कि हम वन ले लेते हैं, टू ले लेते हैं, सेवन ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला चीज हमारा बी सी का सेट ये सबसेट है या फिर नहीं है, तो बी में हमारा फोर फाइव है जो कि इसमें है ही नहीं, तो बी हमारा सी का सबसेट कैसे होगा, नहीं होगा, यानी कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। लेकिन लेकिन ध्यान से देखिएगा ए में जो एलिमेंट है वन कॉमा टू वो तो सी में भी है हमारा, यानी कि ए जो है वो सी का सबसेट हमारा यहाँ पर हो जाएगा, है ना, लेकिन स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि ए सी का सबसेट नहीं होगा, यानी कि ये चीज हमारा फॉल्स है। बच्चों मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो तरीका मैं यूज कर रहा हूँ प्रूफ करने के लिए या फिर कुछ भी, तो ये गलत तरीका है ना, गलत तो नहीं कहूंगा लेकिन 11th में चल सकता है, लेकिन आगे आपका नहीं चलेगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेटमेंट्स की ओर। चलिए बच्चों देखते हैं हम अपना अगला स्टेटमेंट क्या है कि कोई दो सेट ए एंड बी दिए हुए इस प्रकार से कि ए जो है ना वो बी का सबसेट नहीं है, तो इस प्रकार से हम ले लेते हैं, माना ए कोई सेट है वन टू, और दूसरा कोई सेट ले लेते हैं हम, इस प्रकार से लेते हैं कि ए बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, वन फाइव सेवन हमने ले लिया, सही। अब ध्यान से देखिएगा, तो एक्स हम पहले सेट से कोई एलिमेंट एक्स लेते हैं, एक्स बराबर हम ले लेते हैं मानकर चलिए क्या चीज, तो हम यहाँ पर टू ले लेते हैं, है ना। अब इस सेट का हमने कोई एलिमेंट टू लिया इसमें, ध्यान से देखिएगा, और ये वाला टू हमारा इसमें मिल रहा है क्या, इसके अकॉर्डिंग तो यदि इससे ए से हम कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो हमारा बी में भी मिल जाना चाहिए, है ना, यही कह रहे हैं ना, एक्स यदि ए से लेंगे तो वो हमारा बी में भी मिल जाना चाहिए, तो ऐसा है क्या, एक्स बराबर यदि हम टू लेते हैं ए से तो एक्स बराबर टू बी में भी मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है भाई साहब, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बात करते हैं अगला क्या है, तो हमारे पास दिया हुआ है दो सेट इस प्रकार से कि सेट ए सेट बी का सबसेट है, तो हम यहाँ पर सेट ए वन टू हमने ले लिया, सेट भी हम ले लेते हैं क्या चीज, इसका सबसेट होना चाहिए, तो भाई साहब को कुछ इस तरीके से हमने वन टू थ्री ले लिया, ये इसका मतलब सबसेट है, कंडीशन सेटिस्फाई। अब देखते हैं क्या चीज कि कोई एलिमेंट यदि हम बी से सेलेक्ट करते हैं, है ना, कोई माफ कीजिए यहाँ पर सॉरी, कोई एलिमेंट हम एक्स सेलेक्ट करते हैं जो कि बी में नहीं हो, है ना,
कोई एलिमेंट हम एक्स सेलेक्ट करते हैं जो कि बी में ना हो, तो हम अपने मर्जी से मान लेते हैं भाई कोई एलिमेंट है दिख रहा है अच्छे से क्लियरली जो कि बी में हमारा नहीं है। अब क्या देखते हैं कि ये वाला भाई साहब फाइव क्या ये ए में मिलेगा, ये फाइव हमारा ए में भी नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये तो इसी का छोटा पार्ट है ना, जब ये वाला भाई साहब फाइव हमारा बी ए में नहीं है तो ए में कहां से मिलेगा, यानी कि जब भी हमारा ये ए बी का सबसेट होगा पहला कंडीशन, तब कोई भी एलिमेंट जो बी में ना हो वो ए में भी ना होगा, यानी कि फाइव यदि बी में नहीं है तो फाइव हमारा किस में नहीं होगा, तो फाइव ए में भी नहीं होगा, यानी कि एक्स हमारा यदि बी में नहीं है तो एक्स हमारा ए में भी नहीं होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। बच्चों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी तीन सेट्स है सच में इस प्रकार से कि ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है, तब हमें प्रूफ करना है कि बी बराबर सी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जब आप बनाते हैं है ना, तो आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है यानी कि क्वेश्चन सीट में, तो वहां पर तो ऐसे ही छोड़ करके नहीं आ जाना है, पहले गिवन इन्फॉर्मेशन हमें लिख लेना चाहिए क्वेश्चन बनाते समय। तो हम सबसे पहले दिया हुआ क्या है वो चीज लिख लेते हैं, हमारे पास दिया हुआ कंडीशन क्या है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, और कुछ भी दिया हुआ है तो हमारे पास ये चीज भी दिया हुआ है, क्या चीज, ए इंटरसेक्शन बी ये हमारा बराबर है किसका, ए इंटरसेक्शन सी का। देन हमारा एम क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट हमारा एम है कि ए बराबर बी, ये चीज शो करना है ना। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ए बराबर बी ये तो हमें प्रूफ करना है, अब कोई नंबर हमारा याद कीजिए कि एक्स वाई के बराबर है, ये चीज हम कैसे प्रूफ करते थे, बचपन वाली बात है ना, तो हम क्या करते थे एक्स ये लेस देन इक्वल टू वाई हो जाए एंड ये हमारा वाई लेस देन इक्वल टू एक्स हो जाए, तब ये हमारा इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन बनता था, ये कहा होगा इसे नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन भी मैथ्स के लैंग्वेज में कहा जाता है, तो ये अभी आपके समझ में हमें ना आएगा क्योंकि आप अभी 11th क्लास में, बट लेकिन मैथ्स में आप इतने ही इंटरेस्ट लेते हैं तो मैं तो कहूंगा जरूर आप अपना ऑनर्स पेपर मैथ्स ही रखिए, वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन, ये क्या होता है बहुत मजा आने वाला है ना, तो इसे तो हम समझेंगे है ना। तो ये क्या कहता है कि यदि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो एंड ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो तब ये हमारा x बराबर y होगा, या फिर यदि x बराबर y हो तब इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, इफ एंड ओनली इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट इंप्लाइज राइट एंड राइट इंप्लाइज लेफ्ट, कुछ इस हिसाब से यार कॉमन सेंस यूज करना है। तो इसी तरीके से आप जब मैं इक्वालिटी ऑफ सेट्स बता रहा था तो मैं वहां पर बताया था आपको कि दो सेट्स इक्वल कब होता है ना, दो सेट्स इक्वल कब होता है, तो आप याद कीजिए मैंने आपको बताया था क्या चीज कि कोई भी दो सेट्स ए बराबर बी ये इक्वल हमारा ये दोनों इक्वल कब होगा, इसके लिए भी हमारे पास एक नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन क्या था कि यदि ए हमारा सबसेट हो किसका, बी का, एंड बी हमारा सबसेट हो किसका, तो ए का, तब उस केस में क्या हो जाता था हमारा, तो ए बी का ए और बी बराबर हो जाता था है ना, ये हमारा इक्वल सेट को इक्वल प्रूफ करने का ये टेक्निक है, कोई भी दो सेट को इक्वल प्रूफ करने का ये टेक्निक हम हमेशा यूज करेंगे, इवन सिर्फ 11th क्लास में ये आपका यूज ना होगा, जब आप आगे हायर क्लास में जाइएगा तो वहां पर इसका जम करके बेसिक सा है, तो बड़ी सी बेसिक सी बात है लेकिन क्या है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, छोटा छोटा टेक्निक का यूज करके ना हम लोग बड़ी चीजों पर जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या होता है ना बच्चों, तो हमारा एम क्या है कि ए बराबर बी, लेकिन ध्यान से देखिए त्रुटि हमने कर दी, हमें दिखाना है बी सी के बराबर है, तो यहाँ तक तो कुछ बात बिगड़ी नहीं है, अच्छा हुआ मेरा समय बच गया नहीं तो वीडियो में काफी त्रुटि आ जाती, तो बी सी के बराबर है, तो इसके लिए हमें क्या दिखाना होगा कि बी जो है वो हमारा सी का सबसेट होगा, और क्या दिखाना होगा सी जो है वो बी का सबसेट होगा, यानी कि अब हमारा एम दो बराबर भागों में विभक्त हो गया, यहाँ पर पहला एम क्या हो गया कि हमें दिखाना होगा कि बी जो है वो सी का सबसेट है, और दूसरा एम क्या हो गया हमारा वो हमें दिखाना होगा कि ये सी जो है वो बी का सबसेट है, यदि ये दोनों कंडीशन मैंने दिखा दिया तो स्वाभाविक है ये बी सी के बराबर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ठीक ना। अब बात करते हैं क्या चीज कि हम यहाँ पर बी सी का सबसेट है, इसे कैसे प्रूफ करते हैं ना, कोई भी सेट किसी सेट का सबसेट होगा तो हम इसे कैसे प्रूफ करते हैं, जैसे कि ए ये भाई साहब बी का सबसेट होगा, तो इसे प्रूफ करने का हमारे पास तरीका क्या होता है ना, तो सबसे पहले समझते हैं क्या चीज की डेफिनेशन क्या कहता है कि यदि इसका सारा का सारा एलिमेंट्स कोई भी एलिमेंट्स हम लेते हैं तो वो हमारा इसमें भी मिल जाएगा, तब ये हमारा ये इसका मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये इसका सबसेट हो जाएगा, या फिर हम रफली कैसे बोलते हैं कि इसका सारा का सारा एलिमेंट्स इस भाई साहब में मिल जाएगा तो ये हमारा बी का सबसेट हो जाएगा, सही है। लेकिन प्रूफ करने की जब भी बात की आती है बात की जाती है तो हम एक टेक्निक का यूज करते हैं क्या कि इसमें से कोई भी एक एलिमेंट हम लेते हैं है ना, कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, मान लिया हमने एक एलिमेंट एक्स ले लिया किसी सेट ए से, और कोई भी मतलब क्या कि आर्बिट्रेली चूजेड एलिमेंट है ना, यानी कि आंख बंद करके बक्सा में से उठा है और कोई भी एलिमेंट वो हो सकता है, तो इसमें से कोई भी हमने एलिमेंट लिया आर्बिट्रेली चूजेड एलिमेंट,
तब ये वाला एलिमेंट जो इससे मिला है मुझे बिना मतलब देखे हमने उठाया है वो एलिमेंट यदि बी में भी मिल जाए तो हम क्या कहते हैं कि ए बी का सबसेट होगा, यानी कि हमें यदि दिखा दे कि इसमें से कोई एलिमेंट एक्स लिया और ये एक्स जो है वो हमारा मिल जा रहा है सेट बी में, और ये प्रूफ हम कैसे करते हैं, तो हमारे पास जो कुछ गिवन कंडीशन दी हुई रहती है उसकी मदद से प्रूफ करते हैं ना। तो ये हो गया हमारा कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट है, ये प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये टेक्निक हो गया है ना। तो हमने यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिख दिया है ना भाई साहब, सेम चीज है लिखा हुआ देख सकते हैं वहां पर जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अभी तक मैं दो इंपॉर्टेंट चीज सिखा है हमने कि दो सेट को इक्वल हम कब प्रूफ करते हैं, तो ये चीज। और दूसरा चीज क्या चीज कि दो सेट में यदि हमें दिखाना हो कि ये सेट यानी पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है, तो उसके लिए टेक्निक क्या कि पहले सेट में से भाई साहब कोई भी आर्बिट्रेली चूज एन एलिमेंट ले लीजिए और दिखा दीजिए कि वो हमारा दूसरे सेट में भी मिल रहा है, तब हम क्या कहते हैं कि पहला वाला सेट दूसरा वाला सेट का सबसेट होगा। सही है। अब हम पहले एम की प्राप्ति के लिए ना क्वेश्चन को दो पार्ट में करेंगे, यानी पहला एम की प्राप्ति करेंगे उसके बाद दूसरा। तो पहला हमारा जो यहाँ पर एम है वो क्या है बी, ये हमारा सी का सबसेट है, ये चीज प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं एक्स कोई एलिमेंट है किससे, तो सेट बी से, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक समझने में, सेट बी का कोई एलिमेंट हमने मान लिया आर्बिट्रेरी चूजन एलिमेंट है ना, कोई भी हो सकता है ना। तब हम क्या लिख सकते हैं इसको कि ये हमारा जब एक्स हमारा बी में है तो हम लिख सकते हैं इसको कि एक्स जो है वो हमारा ए यूनियन बी में भी मिल जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। अरे बिल्कुल सही कह रहा हूँ, यदि एक्स हमारा बी में है तो ध्यान देने की बात ये है कि ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी में तो बी का सारा एलिमेंट है, तो यानी कि एक्स भी होगा, यानी कि एक्स हमारा ए यूनियन बी में भी होगा। सही है। और आगे बढ़ने के लिए मैथ्स में हम एक सिंबल का यूज करते हैं जिसे हम दिस इंप्लाइज करते हैं, मैथ्स के समझदार बच्चे होंगे तो आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं क्या, ए यूनियन बी ये तो बराबर है हमारा किसका, ए यूनियन सी का, तो हम इसके जगह लिख सकते हैं क्या चीज की ए यूनियन सी के बराबर है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं एक्स जो है वो हमारा बिलोंग्स करेगा इसमें भी, एक्स यदि इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये तो इसी के बराबर है, तो एक्स हमारा इसमें भी बिलोंग करेगा ए यूनियन सी में। अब यूनियन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, एक्स जो है वो सेट ए में बिलोंग करेगा या फिर एक्स जो है वो सेट सी में हमारा बिलोंग करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक समझने में। अब यहाँ पर देखते हैं ये दो कंडीशन हमारे पास आ गए, एक्स ए में बिलोंग करेगा या फिर एक्स सी में बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या होता है भाई साहब, तो समझने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। पहला हमारा था हम बढ़े कहाँ से थे वहां से देखते हैं, ये हमारा बी से कोई हमने एलिमेंट एक्स जो है हमारा बी में भी बिलोंग्स कर रहा है और ए में भी बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं क्या चीज, इस और इस कंडीशन को यदि हम मिला दे तो एक्स जो है वो हमारा बिलोंग्स कर रहा है किसमें, तो बी में भी बिलोंग कर रहा है एंड एक्स हमारा ए में भी बिलोंग कर रहा है, तो एंड के लिए हम इंटरसेक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक ना, पहला कंडीशन ये। दूसरा क्या है हमारा कि एक्स जो है हमारा बी में है, सही है, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा यहाँ पर सॉरी सॉरी, ये ए इंटरसेक्शन से आएगा ना, यहाँ पर एक्स जो है वो हमारा ए में भी है एंड एक्स जो है हमारा बी में भी है, यहाँ पर त्रुटि के लिए क्षमा चाहेंगे। सही। दूसरा कंडीशन जो है वो क्या है हमारा, एक्स हमारा बी में भी है एंड एक्स हमारा सी में भी है, कोई दिक्कत, एक्स यदि हमारा बी में हो और किसी तरीके से हम प्रूफ कर दे कि एक्स हमारा सी में भी हो, तो ये तो प्रूफ हो ही गया ना कि बी हमारा सी का सबसेट है जो हमें प्रूफ करना था। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास टेक्निक था उसका यूज करके कि इसमें से हमने कोई एलिमेंट एक्स लिया और दिखा दिया कि ये एक्स हमारा इस सेट में भी है, यहाँ पर एक्स हमारा सी में भी है, तो ये इस कंडीशन से तो हमने प्रूफ कर दिया। इस भाई साहब का क्या कहने का मतलब होता है तो उसे भी देख लेते हैं। जब हमारा x बिलोंग्स कर रहा है a इंटरसेक्शन b में, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x ये बिलोंग करेगा किसमें, ध्यान से ध्यान देने वाली बात है कि ये a इंटरसेक्शन b बराबर है a इंटरसेक्शन c का, ये बराबर है a इंटरसेक्शन c का। सही है। यानी कि अरे आगे बढ़ने के लिए वाला सिंबल का यूज कर लेते हैं वहां से। अब क्या आ जाएगा कि x हमारा a में भी बिलोंग करेगा, ध्यान से देखिएगा, एंड x जो है वो हमारा किसमें c में भी बिलोंग करेगा। सही है। तो यहाँ से तो हम आगे बढ़े ही थे, ध्यान दीजिएगा ये अब क्या आ गया हमारे पास, x जो है b में बिलोंग कर रहा है, इस कंडीशन का मतलब इधर जो लेफ्ट साइड में था इसका भी मतलब हम वही पहुंच रहे धीरे धीरे करके कि x जो है वो c में भी बिलोंग करेगा, जो भी x हमारा b में बिलोंग कर रहा है वो x हमारा c में भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसमें से कोई x हमने लिया और ये वाला x जो है वो हमारा c में भी बिलोंग कर रहा है, तो ये भी तो कुल मिलाकर के उसी कंडीशन पर इशारा कर रहा है, यानी कि b जो है वो c का हमारा यहाँ पर सबसेट हो जाएगा। तो पहला एम का हमने प्राप्ति कर लिया। सही। तो अब हमें प्रूफ करना है कि सी हमारा बी का सब्जेक्ट है। सही है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि सी में से हम कोई एलिमेंट एक्स मान लेते हैं ना, अब दिखाना क्या है कि ये एक्स हमारा बी में भी बिलोंग कर रहा है ना, इसे प्रूफ करने के लिए हमें ये दिखाना होगा। तो यदि सी हमारा इसमें है तो ध्यान दीजिएगा क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये जो एक्स है ये भाई साहब बिलोंग करेगा किसमें, तो ए यूनियन सी में बिलोंग करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, यानी कि ए यूनियन सी में ये हमारा बिलोंग कर रहा है, ऐसा क्यों हमने लिखा है। अरे अभी जो प्रूफ हमने किया है ना एम फर्स्ट, बिल्कुल सेम टू सेम है ना, डिट्टो ए टू जेड कॉपी जाएगा है ना, इसमें आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा ए यूनियन सी है क्या, सी का सारा एलिमेंट ए यूनियन सी में होगा और सी में जो एलिमेंट होगा वो ए यूनियन सी में भी होगा, स्वाभाविक है।
बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये यूनियन सी, ये भाई साहब इसके बराबर है, जैसा हमने तभी इसको इसके बराबर किया था, अब की बात इधर से इधर आ रहे हैं ना, कि ये बराबर होगा हमारा ए यूनियन बी का, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कि ये एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में, सही है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में, या फिर एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारा बी में, यहाँ से देखते जाइएगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन हमारे पास आ रहा है, सबसे पहला क्या चीज, एक्स हमारा सी में है और एक्स हमारा ए में है, एक्स हमारा सी में था और एक्स हमारा ए में भी है, एंड की बात की जा रही है, तो एक्स हमारा ए में है एंड एक्स हमारा सी में है, तो ये वाला चीज आ गया हमारा कंडीशन। बात करते क्या दूसरा, एक्स हमारा सी में है और ये वाला एक्स हमने किसी तरीके से प्रूव कर दिया बी में भी है, यदि सी में था और बी में भी ये एक्स मिल गया हमारा, आर्बिट्रेरी चूजन था, यानी कि इस सी सेट से हम कोई एक्स ले रहे हैं और वो एक्स हमारा सेट बी में भी मिल जा रहा है, तो ये तो स्वाभाविक प्रूव कर रहा है कि ये जो सी जो है वो हमारा बी के बराबर, माफ कीजिएगा यहाँ पर सी जो है बी का सबसेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखते हैं ये वाला भाई साहब क्या कह रहा है, तो हमारे पास तो है एक्स जो है वो बिलोंग्स कर रहा है ए इंटरसेक्शन सी से, लेकिन ये दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स जो है वो बिलोंग्स करेगा किससे, ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करेगा। अब महाशय देखने वाली बात है, इंटरसेक्शन है यानी कि एक्स जो है ए में भी है एंड एक्स जो है बी में भी है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज व्हाट वी विल हैव इन द नेक्स्ट स्टेप, एक्स हमारा ए में भी होगा एंड एक्स जो है वो हमारा बी में भी होगा। अरे ई वाला कंडीशन भी तो वही कह रहा है, एक्स हमारा बी में, यानी कि कोई भी एक्स हम सी से लेते हैं इस सेट से, तो ये वाला एक्स जो है वो हमारा बी में भी मिल जा रहा है, जैसे ही मिलेगा तो यानी कि सी जो है वो बी का सबसेट हो जाएगा। तो दो इसका यूज करते हुए हमने दो एम की प्राप्ति करा, और जैसे ही ये दोनों एम हमारा प्रूफ हो गया तो बी इक्वल टू सी ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा, है ना, इस कंडीशन से। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आई होगी।